All right, so I have the keys of this scooter, the Bajaj Chetak 1972 में लॉन्च हुआ था by Bajaj and 2006 में क्लोज कर दिया गया. Well, देखा जाए तो कहीं से भी मुझको चेतक नहीं लग रही है. हाँ, ये कह सकते हैं एक नया अवतार चेतक का लॉन्च कर दिया गया जो कि EV वेरिएंट में है. यहाँ पे मेरे सामने हम लोग ने बजाज 2-stroke 4-stroke वाली चलाई होगी, उससे ज़्यादा नहीं. और यहाँ पे जो है पूरी एक नया फ्रेश लुक आपको देखने को मिलता है, एक मॉडर्न क्लासिक रेट्रो हम लोग कह सकते हैं इस स्कूटर को. और यहाँ पे आपको लो बीम और हाई बीम और यही सेम DRL भी देखने को आपको मिल जाता है. वेल, की को हम लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट भी देखने को मिल जाती है. अगर बाइक सॉरी स्कूटर आपका कहीं पे भी होगा तो आप इजीली कैच कर सकते हो कि कहाँ पे स्कूटर है बाय दिस लाइट. एंड देखा जाए तो काफ़ी मज़ेदार स्कूटर है और एक नया चीज़ है मार्केट में. 2019 में लॉन्च की गई थी एंड यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग के जो कानपुर में है बजाज है वहाँ पे आई है 2023 में, जो कि कोविड के चक्कर में डिले कर दिया गया था आना, और अब ये फाइनली यहाँ पे आ गई है. अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वालिटी मटेरियल काफ़ी अच्छा है. बाकी कुछ 9 कलर में आती है और 2 वेरिएंट आपको देखने को मिलती है, एक अर्बन एंड प्रीमियम. तो ये अर्बन वेरिएंट मेरे सामने खड़ा हुआ है और कुछ 9 कलर हैं, ब्लैक, रेड एंड एक आपका पिंक, ग्रीन, वाइट, इतने कुछ कलर्स हैं. काफ़ी ज़्यादा कलर है, आप वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो. बाय द वे बात करें यहाँ पे आपको ये रेटेड पावर आपको 3800 वॉट की देखने को मिल जाती है. 3 kW की आपको लिथियम आयन बैटरी इसमें देखने को मिल जाती है. एंड देखा जाए तो 20 Nm का ऑफ टॉर्क आपको इसमें देखने को मिल जाता है. अंडर सीट स्टोरेज काफ़ी डिसेंट है, 18 L की आपको अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिल जाती है. यहाँ पे हम लोग ऑन करते हैं इस स्कूटर को. अगर ये की आपकी 100 m अवे हो गई स्कूटर से तो स्कूटर आपका बीप देने लगेगा और बंद होने के चांसेस आपके आ जाएंगे, राइट. तो यहाँ पे हम लोग एक बार और अगेन एक बार प्रेस करेंगे, तो 2 बार आपको प्रेस करना है और यहाँ से स्कूटर आपका चालू हो गया. आप देख सकते हो आपका कुछ मीटर आपको देखने को मिल जाता है. तो यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेशन और इधर ही साइड्स आपको सारे इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं और जितने भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर स्कूटर में या हर व्हीकल में हम लोग कह सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं. आप टाइम देखने को मिलता है, स्टैंड स्टैंड अलार्म देखने को मिलते हैं, स्पीड देखने को मिलती है, यहाँ राइडिंग रेंज आपको देखने को मिलती है. यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलती है, कितनी अभी आपकी बैटरी परसेंटेज है. और यहाँ पे आपको किलोमीटर जो कि हम लोग ओडोमीटर कहते हैं, ओडोमीटर आपको देखने को मिलता है. यहाँ पे आप मोड बटन दबाओगे तो यहाँ पे ट्रिप मीटर और यहाँ SOC जो कि बैटरी परसेंटेज है और इसको प्रेस करेंगे. एंड अगेन यहाँ पे ओडोमीटर देखने को मिलता है. तो यहाँ पे न्यूट्रल आपको देखने को मिलता है, रिवर्स इंडिकेशन भी आपको देखने को मिलता है. ये स्कूटर रिवर्स भी होती है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन दे दिया गया. तो यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ स्पोर्ट्स, एको मोड, तो मोड भी आप चेंज कर सकते हो. यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे D, तो दिखाते हैं आपको. तो ब्रेक को करना पड़ेगा प्रेस और यहाँ पे जब हम लोग ड्राइव पे जाएंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट और यहाँ पे एको मोड और यहाँ स्पोर्ट मोड, दैट्स इट. और अभी हम लोग ड्राइव पे हैं तो जैसे हम लोग एक्सेलरेट करेंगे स्कूटर आगे बढ़ना चालू और यह आपका रिवर्स आपको देखने को मिल जाता है. अब इसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका रिवर्स हो गया और यहीं से हम लोग एक्सेलरेट करेंगे तो स्कूटर पीछे जाना चालू कर देगा. वैसे हम लोग को ये चीज़ नहीं करनी है और अगेन इस चीज़ को हम लोग ओके जब हम लोग यहाँ पे ब्रेक दबाएंगे तो यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं और फिर ब्रेक दबा के यहाँ पे ड्राइव पे जा सकते हैं. तो काफ़ी वैसे देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है ये चीज़. अगर आप नए नए हो तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको इस चीज़ में. बाकी हम लोग यहाँ पे देखें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन के ऐप से यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो. आप अपने कॉल अलर्ट्स, मैसेज अलर्ट और यहाँ पे सॉन्ग्स भी सुन सकते हो. सॉन्ग को पॉज और प्ले यहाँ से हम लोग कर सकते हो. और यहाँ पे आपकी लाइट्स एक बार दिखा देते हैं. तो ये है लो बीम, तो ये रही आपकी लो डे लाइट और ये नाइट लाइट. और इधर ही साइड आप जाओगे तो यहाँ पे ये रही लो बीम और ये रही हाई बीम. और यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ पे नाइट लाइट. इतना कुछ आपको देखने को मिलता है. यहीं पे सेम ये DRL भी है और यहीं सेम पे ये फ्रंट लाइट भी है. तो ये भी कुछ यूनिक है देखा जाए तो. बाकी इतना ही पूरा स्कूटर था. एक बार मैं सीट स्टोरेज भी दिखा देता हूँ. तो इस बटन को हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना 3 kg तक का कुछ भी स्टफ़ कैरी कर सकते हो, लाइक कैरी बैग एंड ऑल. और इधर ही साइड जब हम लोग ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इधर की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी. काफ़ी स्टफ़ यहाँ रख सकते हो, लाइक अपना मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी आपको इधर साइड देके रखा है. यहाँ पे फर्स्ट एड किट भी आप रख सकते हो. इधर साइड आपको एक बैग देखने को मिलता है जिसमें आप अपना कोई भी स्टफ़ और कुछ चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन ये सब रख सकते हो. वैसे देखा जाए तो काफ़ी ह्यूज स्पेस है इधर साइड भी. और इधर ही साइड हम लोग इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे बूट स्पेस खुल गई. और ये बूट स्पेस आपकी काफ़ी इनफ है, 18 L की बूट स्पेस देखने को मिलती है. यहाँ से आप चार्ज भी कर सकते हो अपने स्कूटर को. पोर्टेबल चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाता है और आपको 12 in के एलॉयज देखने को मिल जाते हैं. फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलता है, रियर में आपको नॉर्मल ड्रम देखने को मिल जाता है.
90x90 इज इन फ्रंट एंड सेम टायर गोज ऑन द 90x90 एट द बैक. तो 90 सेक्शन का टायर आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है एंड द रियर में, और 12 इंचेस का टायर साइज आपको दोनों ही में देखने को मिल जाता है. तो इतना पूरा ये स्कूटर था, इतना ही पूरा मेरा रिव्यू था. यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश को देखने को मिल जाती है और इस आपका स्कूटर है, और यहाँ पे आपको लेडीज फुटपैक कुछ आपका देखने को मिलता है, और इधर साइड कुछ इस आपका फुटपैक आपको देखने को मिलता है. दिखा देते हैं, काफ़ी टाइट है. और देखा जाए तो ये सेम चीज़ यहाँ पे ऐसे चल रही है. अलग से अगर देखें या दूर से देखें तो ये नहीं समझ में आएगा कि ये फुटपैक है. इतना ही पूरा सेम यहाँ से पूरा चल रही है ये पैटर्न. देखा जाए तो काफ़ी कुशन सीट है, काफ़ी फर्म्ड सीट है दोनों राइडर और पिलियन के लिए. तो इतना ही सब पूरा मेरा रिव्यू था इस स्कूटर के ऊपर. बाकी हम लोग प्राइस की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे 130,000 गोज फॉर अर्बन वेरिएंट एंड 160,000 इज गोज फॉर द प्रीमियम वेरिएंट. तो ये मेरे सामने अर्बन है, अगर प्रीमियम आया तो उसके ऊपर भी एक सेपरेट रिव्यू करेंगे. वैसे राइड रिव्यू का भी मेरा प्लान है, बट वो भी जल्दी मैं लाऊंगा राइड रिव्यू भी इस पूरे स्कूटर का. उसमें भी फिर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे राइड रिव्यू में स्कूटर कैसा लगा. और अब बात करते हैं स्कूटर लेने लायक है नहीं. सो ऑब्वियसली लेने लायक है, बजाज का प्रोडक्ट है, एक जाना माना प्रोडक्ट है, और चेतक अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये नेम है जो कि बजाज चेतक है. बाकी चेतक की ब्रांडिंग आपको इधर साइड भी और एक फ्रंट साइड भी देखने को मिल जाती है इधर. अब बात करते हैं इस स्कूटर का जो प्राइस है, उस प्राइस में ये स्कूटर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. वैसे देखा जाए तो नहीं कर रहा है, बट कर भी रहा है एक हिसाब से. नहीं क्यों कर रहा है, क्योंकि इस वेरियंट में आपको इस प्राइस टैग में जो कि हम लोगों का TVS iQube भी आता है, उसमें तीन वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड S और ST. उसका टॉप वेरिएंट 125,000 का, यहीं पे ये स्कूटर का स्टार्टिंग होती है 130,000 की. तो ऑब्वियसली TVS में आदमी ज़्यादा जाना पसंद करेगा. उसका मैंने रिव्यू नहीं किया, बट उसका भी कोशिश है जैसे ही वो आती है कानपुर में तो उसका भी मैं रिव्यू करूँगा. अब बात करते हैं लेने लायक है कि नहीं है. तो ऑब्वियसली लेने लायक है, क्योंकि इस प्राइस टैग में आपको Ola S1 Pro भी आपको देखने को मिलती है. Ola S1 से मुझे ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, Ola S1 से थोड़ी सी मुझको ये ज़्यादा अच्छी लगी. थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की है, जैसे हमने बताया मॉडर्न क्लासिक रेट्रो टाइप का आपको फिनिश पूरा स्कूटर में देखने को मिलता है. बाकी ये यहाँ पे आपको टच नहीं देखने को मिलता है, आपको LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है इधर साइड, उसमें आपको टच देखने को मिल जाता है. और बाकी बहुत से चाइनीज़ वेरियंट भी हैं EV के जो मॉडल्स हैं यहाँ पे रखे हैं, जितने भी चाइनीज़ कंपनीज हैं उन्होंने अपनी EV यहाँ पे उतार के रखी है, जो कि इस प्राइस टैग में बिल्कुल नहीं, आपको और कम में देखने को मिल जाती है. तो एक हिसाब से बढ़िया भी है लेना, और एक हिसाब से अगर डिसएडवांटेज बोलूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ इस स्कूटर के ऊपर. बाकी हम लोग रिव्यू यहाँ से एंड करते हैं, स्कूटर को ऑफ करके रिव्यू एंड करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ से स्कूटर ऑफ हो गया, डेट्स इट. तो इजी है थोड़ा. बाकी हम लोग यहाँ से वीडियो एंड करते हैं. तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर. सो वीडियो चलिए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना. मिलते हैं वीडियो में.